ओलिगोहाइड्रोमिनियस, तो इसके लिए तीन इम्पोर्टेंट बातें होती है कि लिकर का अमाउंट होना चाहिए 200 ml से कम, और जो सिंगल डीपेस्ट पॉकेट होती है वो होनी चाहिए लेस देन 2 सेंटीमीटर, और जो एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स होना चाहिए वो होना चाहिए लेस देन 5 सेंटीमीटर। अगर ये कंडीशन है तो वो ओलिगोहाइड्रोमिनियस है। कॉजेज़ की बात करते हैं तो बायलेटरल रीनल एजेनेसिस हो गया, प्लेसेंटल इंसफिशियंसी हो गई लाइक एज सीन इन प्री एकम्प्लिशिया, इसके अलावा पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व। ओलिगोहाइड्रोमिनियस कैन कोज पोर्टर सीक्वेंस, ये होता है ड्यू टू लेस स्पेस इन एमनियोटिक सेक, दिस कैन लीड टू क्लब फीट, लंग हाइपोप्लेजिया, लोअर सेट ईयर, फ्लैटन फीट एंड वाइडली सेपरेटेड आइज विद एपिकेंथल फोल्ड। ये हो गया ओलिगोहाइड्रोमिनियस। वहीं बात करें पॉलीहाइड्रोमिनियस, तो इट हैपन्स इफ़ फीटस कैन नॉट स्वेलो एमनियोटिक फ्लूइड एज सीन इन ईसोफेजियल एंड ड्यूडेनल एट्रेसिया, एनकेफेलोपैथी, इसके अलावा इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन दैट इज सीन इन मल्टीपल जेस्टेशन फीटल एनीमिया एंड मैटरनल डायबिटीज़। मल्टीपल जेस्टेशन डिफरेंट होता है, ट्विंस होता है, फीटल एनीमिया अलग डिजीज़ होती है और मैटरनल डायबिटीज़ एक अलग डिजीज़ होती है। सो दिस इज़ ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर।